डिसनेक्ट okay, so तो हो जाता है मैं आपको वैसे लास्ट में ऑन करता हूँ डिसकनेक्ट तो हो जाता है तो एक लिंक या आइडिया पासवर्ड में फिर से ग्रुप पे शेयर करता हूँ आपको इमिजिएटली कनेक्ट होना है मैं ट्राई करता हूँ स्लॉट में कम्प्लीट करने का तो अगर कुछ डिफिकल्टी आते इमीजिएटली फिर से कनेक्ट करना होगा तो क्योंकि अभी फर्स्ट डिविजन बी पे तो वैसा ही किया था क्योंकि तो उस स्लॉट में वो कवर नहीं हुआ था ओके आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दी पैरामेट्रिक फॉर्म ट्रेस कैसे करना है उसमें क्या क्या आने वाला वो कुछ ज्यादा पार्ट में नहीं लेने वाला ओके एमसीक्यू ऑफ से मैं कंप्लीट करने वाला हूँ uh, तो इसलिए बस रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स आपको कंसिडर करने या एमसीक्यू ऑफ में क्या क्या उसमें आने वाला है तो टू दिस पोलर फॉर्म एंड कार्टिशन फॉर्म आपने पूरा कंप्लीट किया है उसके एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे सॉल्व किए बट अगर आप एमसीक्यूज क्यूज कंसिडर कर जाओ तो फिफ्टी परसेंट एमसी आपको कार्टिशन फॉर्म के ऊपर ही है जो अभी तक uh, शायद आपने उस टॉपिक उस में एमसीक्यूज सॉल्व सोल्व नहीं किया बट इसउट्रेसिंग के यूनिट में फिफ्टी परसेंट एमसी उस टॉपिक के ऊपर है और फिफ्टी परसेंट एमसी रिमेनिंग टॉपिक्स के ऊपर है तो आपको समझ में आ गया कि वो फर्स्ट फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है कार्टिशन फॉर्म

ट्रिक फॉर्म का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा आपका एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंडक्वल टू बेटा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंडक्वल टू जीओ टी This is actually the general form of parametric form. Okay. Uh, now the first rule, which is very common for all the types parametric, polar, and Cartesian. That rule is symmetry. So in this case, we will check symmetry for uh, these two cases only for x about x-axis and about y-axis. Uh, so let's see the result. How to check symmetry about x-axis? Result okay. can if f of t is even. स मतलब अगर ये रिजल्ट ट्रू नहीं हो रहा है तो उस केस में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो अगर ट्रू हो रहा है तो यह आपको लिखना है कि दिस कवर इज सीट्रिक अब अगर वो रिजल्ट ट्रू नहीं हो रहा है

एक्स में बस माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो X X. Case, y so, कुछ में आपको यह भी रिजल्ट यूज करना है सो फर्स्ट रूल अगर कुछ क्वेश्चन माइक्रोफोन ऑन करके आप इमिजिएटली बोल सकते हो वेट uh, नहीं करना आपको एंड तक यहाँ पे क्वेश्चन पे आप पूछो सेकंडीवाई बाई डी एक्स सो इन पैरामेट्रिक फॉर्म लाइक दिवेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो इज लाइक दिस अपॉन डी एक्स बाय डी अगर आप कार्टिशन से कंपेयर करते हो कार्टिशन में आप सेकेंड रोल क्या करते हो पॉइंट्स कैलकुलेट करते हो करेक्ट मत करो नहीं तो बाकी प्रॉब्लम कार्टिशन में आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हो और फिर उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आपके आ रहे हैं कैलकुलेट करते हो सेम uh, लॉजिक से आपको जाना है बट यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो आप कैलकुलेट करने वाले वो डायरेक्टली टी से कैलकुलेट करने वाले हो डोंट डिस्टर्ब द लेक्चर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बस सुनो ऐसे कुछ ड्रॉ मत करो ओके <coughs> okay. uh, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं करने वाले आपको डायरेक्टली टी से वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मिलने वाले जैसे कार्टेशियन में आप स्पेसिफिकली पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे थे अभी भी कुछ स्टूडेंट को शायद नहीं समझ में आ रहा हैं

फिर आपको समझ में आता है कि चलो इसमें से ये पांच छह वैल्यूज से ही आपको कर्व का नेचर समझ में आता है तो ये एक्चुअली एंड एर से ही आपको वो थोड़ा वो समझ में आ जाके कौन से वैल्यूज आपको टीके का पे करने या तो सिमेंटर का यूज करके इसलिए कुछ क्वेश्चन में आप अगर आप पहले वर्कआउट करके रखते हो तो ये अच्छा रहेगा तो आप फिर उन्हीं वैल्यूज के लिए या वही वैल्यूज कंसिडर करके आप इजिली कर को ट्रेस कर सकते हो तो अरब टू कंसिडर दैल्यूज ऑफ टी एंड फॉर इच वैल्यू टी वेल्यू ऑफ एक्स

टेबल के बाद जितने भी सारे रूल सारे रूल्स रूल्स आ रहे हैं वो बस सारे आपको टेबल okay. समझ में आता है कि अगर दोनों एक्स एंड वायर आपके जीरो आते तो उस पर्टिकुलर टी के लिए आपकी गिवन कर्व क्या होगी दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन नेचर ऑफ टेंजेंट

जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वही कंसिडर यहाँ पे किए इन रिजल्ट से आप कन्फर्म कर को ट्रेस कर सकते हो अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट आपको है पीपीटी में या उस लाइड में तो वो आपकी चॉइस से आपको कंसिडर करना है तो करो या अगर आप वो स्कीप भी करते हो तभी भी आप कर को इजिली ट्रेस कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इससे आपको कर का नेचर क्लियरली uh, समझ में आने ही वाला है नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्टैंडर्ड कर्ज दिस वर्ड स्टैंडर्ड कर् क्योंकि जैसे आप बोलते हो कि sin x का डिरेटिव क्या है cos x ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसलिए आप वो फॉर्मूला याद ही रखते हो जब भी कैलकुलेशन आता है आपको डायरेक्टली यूज करना है वैसे ही ये सारे स्टैंडर्ड कर्व के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हर टाइम पे ये पॉसिबल होगा नहीं कि आप कोई इक्वेशन की बने फिर आप ये सारे रिजल्ट्स कैलकुलेट करके फिर आप ट्रेस करोगे फिर कर्व ट्रेस होने के बाद फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे यह पॉसिबल नहीं है इसलिए इन सारे कर््स को अभी ट्रेस कैसे करना है ये तो आपको समझ में आ रहा है बट आपको किसी ना किसी ट्रिक से इन सारे कर्व को याद भी रखना है

भी करते हो, तो वो calculation थोड़ा हो जाएगा. आप क्या कर रहे हो इसके पैराट्रिक uh, फॉर्म आप कंसिडर कर रहे हो सो कंसिडर दैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दिसन दैरामेट्रिक फॉर्म इज एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब टी वाईक्वल टू बी साइन क्यूब टी और फिर यह पैरामेट्रिक फॉर्म कंसिडर करके आप गिवन कर को

उसमें so the, uh, the आप हाँ उस आपको बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन में उन सारे कर्व को अगर आप अच्छे से याद रखते हो तो

माइनस uh, uh, आप तो आपको चारों के चार इक्वेशन uh, समझ में आ जाएंगे अभी ट्रेस कैसे करना है वो सारा थे आपको ऑलरेडी क्लियर है इसलिए वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मुझे बस आपको ये एक्सप्लेन है कि कर्व को याद कैसे रखना है तो, मतलब इक्वेशन आता तो इमिडियटली समझ में आ जाए कि वो कहाँ पे शिफ्ट करना है ठीक है फॉर एक्साम्पल फॉर दिस फर्स्ट करव टू एन वाई टू मतलब अल्टरनेटिव जो है उनका नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस इन दोनों दोनों का नेचर सिमिलर ही है बस वो पॉइंट से वैरी हो रहा है या वह हो रहा है सिमिलरली दोनों प्लस और दोनों माइनस दोनों कर्व का नेचर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है आपको बस ये देखना है कि कौन से पॉइंट से वो कर्व पास हो रही है तो वो चेक करे बस एक पॉइंट यूज करो टी इक्वल टू जीरो फॉर एक्साम्पल इन फर्स्ट क्वेश्चन टू जीरो

तो ट्रिक आप अपने हिसाब से यूज करो मुझे ये ये एक्सप्लेन आप ऐसे जाओ या इस पे चेक करके करो को याद रखो टोटली आपकी चॉइस है है मेरा बस ये कहना है कि आपको किसी ना किसी ट्रिक से इन सारे को क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल इन फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वॉट इज टैंजेंट एमा जीरो ट दिस पॉइंट जीरो अगर कर पता है ना तो इन क्वेश्चन को आंसर करना ईजी है अदरवाइज फिर आपको क्या करना होगा डीवाई बाई डी एक्स कैल्कुलेट करना होगा ओके फिर उसका कैलकुलेन उसका फॉर्मुला क्या है वो कैलकुलेशन करना होगा उसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करना होगा तब जाके वो इक्वेशन आपको समझ में आएंगे जस्ट टू कैलकुलेशन अगर आप कर्न ड्रॉ करते हो तो कर्ज से आपको ईजीली टेंट uh, का नेचर समझ में आ जाता है ठीक है? डाउट से है क्या कुछ डाउट से है अभी तक मेनली आपको किसी ना किसी ट्रिक से उन सारे कर्व्स को याद रखना है okay. uh, अभी कुछ एमसीकूज जो मैंने आपको दिए थे असाइनमेंट में वो क्विकली मैं रिवाइज करता हूँ और अभी ये भी मुझे एक्सप्लेन करना है कि आपको रीजन क्या देना है ओके ज्यादातर स्टूडेंट का वो क्वेश्चन था कि सर एक्सप्लेनेशन में क्या मेंशन करना है सी okay? यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मतलब मुझे क्या एक्सपेक्टेड है अगर आप एजन करो कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सोल्व कर रहे हो एग्जाम में सोल्व करते समय रफ पेजेस पे जितना भी कैलकुलेशन आता है ओके दैट इज योर एक्सप्लेनेशन तो इसलिए यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना इन डिटेल में लिखा है या अच्छे से लिखा है कि नहीं प्रॉपर सारी चीजें मेंशन की है कि नहीं इट डजेंट मैटर आप जंप करो फास्ट कैलकुलेशन करो एट देन मुझे क्या चाहिए कि चलो ये हाँ चलो ये कैलकुलेट करके उसने निकाला है तो उसका तभी उसको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन हर एक का अलग अलग होगा सबका सिमिलर तो कभी नहीं आने वाला इसलिए चेक करते समय भी वो पार्ट में देखने वाला हूं अगर सेम सेम कॉपी पेस्ट किया तो वो वैसे भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा तो एक्सप्लेनेशन आपको आपके लैंग्वेज में लिखना है जैसे आप कंसिडर करके आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है और आपको विद इन मिनट करना तो जो भी आप कैलकुलेशन वहां पे करोगे वही कैलकुलेशन उसमें आएगा तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते उसमें कुछ भी नहीं है या आपको बस देखकर ही समझ में आता है तो आप वो भी मतलब मतलब उस केस में आपने अगर आपने नहीं भी लिया दिया एक्सप्लेनेशन तो भी चलेगा ठीक है बट वैसा आप मेंशन करो कि चलो ट्रिवेल है या डायरेक्टली समझ में आ रहा है ऐसा कुछ तो आप वहां पे मेंशन करो ओके फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन वन

दिस कर्व इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ये तो क्लियर है कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है नेक्स्ट क्या चेक करना है सिमेट्रिक साइक्लॉड के सारे कर्ज को आप देखो मैं आपको दिखाता आप तो हूँ तो सारे कर्ज आपके क्या है आपका आंसर क्या होगा सिमेट्रिक अबाउट वाइक्स आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में अगर आप बस वो कर् ट्रेस करते तो भी चल जाता ठीक है

अभी कर्व ये कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है तो आपको कर्व का नेचर पता नहीं है सो हाउ यू आइडेंटिफाई द रीजन एनी वन बोलो आप माइक्रोफोन ऑन करके किसने अगर किया है था तो एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा आंसर करेक्ट एक्स ग्रेटर देन जीरो सर टी स्क्वायर है ना क्योंकि तो टी स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा करेक्ट तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है टी स्क्वायर एक्चुअली देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वाई

थोड़ा बहुत तो आपको कैलकुलेट करना होगा डिवाई बाई डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि ये नहीं तो आपको नेचर पता नहीं है अगर स्टैंडर्ड कर हो तो डायरेक्टली कर साइड में ड्रॉ करके भी आपको टेंजेंट समझ में आ जाती है सो हि कैलकुलेट डिवाई dx डी एक्स इज डिटी dt डीएक्स बाई डी

टू दी कर आपको दोनों माइनस साइन है तो ये वाई भी जीरो आ रहा है, है तो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्टेड नहीं है आप बस ऑप्शन uh, में uh, भी आगे जा सकते हो इसलिए हमने ब्राकेट में था इसका वेटेज वन मार्क का है इस केस में क्या है द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट तो ये आपका एस्ट्रॉइड स्टारशिप स्टार शेप कर्व है कर a, 0 1 ये ये भी आपका एस्ट्रॉइड है इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या था x a cos³ θ y b sin³ θ ये भी आपका क्या है एस्ट्रॉइड है दिस एस्ट्रॉइड इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस नाउ द 13th क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर कार्टिशन में आने वाले तो जस्ट टू लिंक दैट क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे ऐड किया था आपको कार्टिशन में क्वेश्चन कैसे आते है इक्वेशन गिवन होगा और उस इक्वेशन से आपको डायरेक्टली करव को आइडेंटिफाई करना है सो नाउ वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप uh, फिर वो सारे रिजल्ट्स कंसीडर करके फिर आप वो कर ट्रेस करके उतना टाइम है ही नहीं तो मुझे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बोलो जिससे आपको बस देखकर ही समझ में आएगा कि नहीं चलो इस इक्वेशन की कर्व यही आने वाली है आपके पास अभी कार्टेशियन में टोटल रूल्स या पैरामेट्रिक में भी आप देखते हो टोटल फाइव सिक्स रूल उनमें से कौन से ऐसे रूल से जिनका यूज करके आपको इजिली आप कर को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या एनी वन टेल में ऐसे केसेस में आपको बस हार्डली एक या दो रूल से ही कर समझ में आ जाती है कौन सा रूल आप चेक करोगे यहाँ पे एनी वन

तो अगर आप सिमेट्रिक का रिजल्ट यूज करते तो ऑप्शन ए डिलीट होने वाला है क्योंकि दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑप्शन सी भी डिलीट होने वाला है नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स एंड एक्सिस भी डिलीट होने वाला है नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी तो अगर आपको कर्व को आइडेंटिफाई करना है तो दो ही रिजल्ट आपको बेसिकली यूज करने वन इज सिमेट्री सिमेट्री से ऑलमोस्ट टू थ्री ऑप्शन आपके डिलीट हो जाएंगे फिर भी दो ऑप्शन लास्ट में आ जाते हैं उसके बाद आप चाहो तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो या पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे वन इज सिमेट्री सेकंड इज पॉइंट्स जैसे आप देखो इस क्वेश्चन में ए कॉमस जीरो पॉइंटाई कर रहा है अगर तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक करते हो इफ आई चेक दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तब भी आपको वो कर समझ में आ जाएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन ऑफ curves. ओके रेक्टिफिकेशन ऑफ curves का मीनिंग क्या है अभी तक आपने क्या लर्न किया है हाउ टू ट्रेस द गिवन कर चलो okay. so, अभी वो पार्ट तो हो चुका आपका नाउ आपको उस कर की अभी लेंथ भी कैलकुलेट करनी है मतलब अगर सर्कल का आप लेते हो जो बाउंड्री आपकी आती है सर्कल की लेंथ आपको पता है टू पाया तो वो लेंथ अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है ठीक है सो एक्टिफिकेशन ऑफ कर्व का मीनिंग क्या है बेसिकली आपको यहाँ पे कर्व की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे मैं आपको अभी डायरेक्टली फॉर्मुलस देने वाला हूं इन फॉर्मुलस का प्रूफ आपको मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड करता हूँ तो उस प्रूफ में भी आपको समझ में आ जाएगा स्क्रीन सबको प्रॉपर दिखाई दे रही है

फॉर्मूला का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए तो इफ आई कंसीडर एनी कर कंसीडर दिस इज कर वेयर पॉइंट पी हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन एंड पॉइंट क्यू हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू और इस कर uh, का जो इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे केस में हाउ यू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क पी सो द लेंथ ऑफ आर्क पी डिनोटेड बाय एस उसका फॉर्मूला क्या है एक्स वन टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस डिवाइड होल स्क्वायर डी

आप आर के लिमिट्स लेने वाले हो और ब्रैकेट में या अंडर में वन प्लस अलग अलग है अभी याद रखने होंगे तभी फिर आगे बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इनका प्रूफ मैं आपको बाद में देता हूं तो अभी के लिए आप ये डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हो ठीक है अभी के ऊपर आपको कैसे आने वाले इसकी जो असाइनमेंट होगी उसमें सारे एमसीक्यूज रहेंगे और ये सेम MCQs ही उसमें मैं कंसिडर करने वाला हूँ यहाँ पे जो मैं कर रहा हूं वो विदाउट ऑप्शन है तो मैं डायरेक्टली आपको सोल्व करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे रहेंगे ये PDF में इमीडिएटली शेयर नहीं करने वाला तो आपको अगर समझ में आता है तो, या तो ये आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो तो ये पूरा होने के बाद असाइनमेंट सारे कंप्लीट होने के बाद फिर ये पीडीएफ में आपसे शेयर करता हूँ B has coordinates 0, a. Okay, are any where this uh, a and b are any two points on this circle? So equation क्या given है? X square plus y square equal to a square. और आपको एक value given है यहाँ पे bracket में क्या given है? The value of 1 plus divided by dx whole square equal to a square upon a square minus x square. तो so, simple question है कि एक circle consider करो. X square plus y square and find the length of arc AB where A has coordinates a comma and B has coordinates zero ठीक है तो पे जो इक्वेशन है प्लस y equal to x, x equal to y ये इक्वेशन तो आप आपको दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट सिलेक्ट करना होगा बट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वन प्लस डिवाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नाउ सिंस वन प्लस डिवाई बाई डेक्स होल इज गिवन तो यहाँ आई कंसीडर डी पर्स्ट फॉर्मूला वा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और फॉर्मूला क्या है एक्स वन टू एक्स टू अंडर रूट ऑफ़ वन प्लस डिवाइड बाय डीएक्स होल स्क्वायर इनटू डीएक्स तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है दोनों पॉइंट के तो ए पॉइंट पे एक्स वन की वैल्यू क्या है ए स्मॉ लेंथ ऑफ दी आर्क ए ठीक है वो आपको आंसर भी पता है क्या आने वाला है ये सर्कल है सर्कल का सर्कल uh, मतलब सर्कल की लेंथ uh, क्या आती है यहाँ पे टू पाई आर यहाँ पे फोर पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड बाय फोर तो दैट वैल्यू इज पाई ए बाय टू वो इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा ये आपको सर्कल से और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अपर पार्ट क्योंकि ज्यादातर केसेस में पॉइंट नहीं रहता आपके पास डायरेक्टली कर का इक्वेशन आता है एंड कुछ क्वेश्चन में वन प्लस डिवाई बाई डे जो भी फॉर्मुले uh, के जो जो वैल्यूज है वो तो गिवन रहेंगे अगर वैल्यूज गिवन ही नहीं है one plus by dek, so square की वैल्यू या अदर फॉर्मुलेस की अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको वहां पे बस फॉर्मुला ही मेंशन मैं ये सारा एमसीक्यू की पार्ट टॉपिक से ले रहा हूँ नॉट द थ्योरी पार्ट अगर आपको थ्योरी पार्ट अच्छे थे समझना समझ है तो आप वो वीडियो देखो ओके तो क्वेश्चन क्या है थ्री वाई स्क्र इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ये जो कर्व है इस कर्व में एक लूप आता है

आप पहले चेक कर सकते हो ओके okay, अगर लूप एग्जिस्ट भी हो रहा है तो उस लूप के जो एंड पॉइंट वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो तो रिजल्ट क्या है इफ टू आर ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री अगर लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलते हैं ठीक है इन दैट केस देर ऑलवेज एग्जिस्ट लुप इन बिटवीन दे रिजल्ट क्या था कि लाइन ऑफ सिमेट्री जिस लाइन के अबाउट आपकी गिवन कॉर सिमेट्री के उसी लाइन के ऊपर अगर आपके पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स में कम्पल्सरी ही नहीं।, होगा, होगा तो नहीं है आपको बस क्या चाहिए आपको आ, अपर पार्ट के लिए आपको उस लूप के एंड पॉइंट चाहिए ये फर्स्ट पॉइंट कौन सा और सेकंड पॉइंट कौन सा है तो आप उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से फिर वो फॉर्मुला यूज करके वो लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो अभी मेरा

इन दोनों पॉइंट्स इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स यू विल गेट अ लूप इसलिए मैंने एक सर्कल uh, ड्रॉ किया है सर्कल या एलिप्स ड्रॉ किया है वो मैटर नहीं करता कि उसका नेचर क्या है या यहाँ पे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये करो आपकी कुछ ऐसी होगी दिखाई दे रहा तो ऐसा भी वो नेचर हो सकता है ठीक है बट आपको यहाँ पे कर का नेचर चाहिए ही नहीं आपको बस उस लुप के एंड पॉइंट चाहिए सो दैट यू विल गेट दी एक्स कॉर्डिनेट एंड

का फॉर्म क्या है so यहाँ yes. पे ब्रैकेट में वन प्लस नहीं है तो आपको यही पे छोड़ देना है ठीक है ओके okay. uh, एक और क्वेश्चन इसमें क्या है अगर यहाँ पे अपर हाफ था या अपर आर्क था इसलिए ये फॉर्मूला आ रहा है अगर इस टोटल कर की अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई दिस बाय टू यहाँ पे टू आ जाता है ठीक है आप अभी बस अपर आर्क कैलकुलेट करो बट जो लेंथ अपर आर्क की आती है वही लोअर आर्क की आएगी तो अगर आपको टोटल इस की से देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है अपर आर्क पूछा है तो ठीक है मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्टली आ जाता है कि जस्ट फाइंड लेंथ ऑफ दैट आर लेंथ ऑफ लूप टोटल लूप की लेंथ कैलकुलेट करो तो फिर आपको तो टू लेना तो होगा इंटीग्रल फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ पैराबोला तो पैराबोला कैलकुलेट करनी है बट जिट कट बाई दाम ड्रॉ करतेवर्स वाई आर इवन गिवन कर पहले मैंने पैराबोला ड्रॉ किया हाईलाइट कर रहा हूं दिस इज माई पैराबोला नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्री वाईक्वल टू एटेक्स दिस इज माई स्ट्रेट लाइन

आपको करना क्या होगा किसी एक इक्वेशन की वैल्यू आपको जस्ट पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन वाईक्वल टू एट बाय थ्री एक्स इन दी फर्स्ट इक्वेशन वाई स्क्टर इक्वल टू फोर एक्स ये आपको मतलब आपने 11 ट्वेल्थ में भी देखा होगा जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने उन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना या एक इक्वेशन की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो मैंने फर्स्ट फर्स्ट की वैल्यू we'll so क्या आता है जीरो

फॉर्मूला okay. रॉन्ग लिखा शायद इन ब्रैकेट वन प्लस जस्ट पुट दैट वैल्यू एज इट इज लिमिट्स वेरी फ्रॉम जीरो सोल्व करो ये आपको करना है कम से कम ये टू मार्क्स के लिए अपर आर्क ऑफ द कार्डोइड अगर आपको टोटल तो uh, मुझे आप डिफिकल्ट है बट इसमें ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन आ जाते हैं सोनाग्रल फॉर कैल्कुलेटिंग ऑफ दी कार्डोइड तो सेम कार्डोड यहाँ पे कंसिडर करनी है बट कंडीशन क्या है

जीरो एंड रेडियस इज ए बाय ड्रॉ किया सर्कल और ये आपका क्या है कार्डोइड और क्वेश्चन क्या था कार्डोइड uh, कैलकुलेट करो बट विच लाइज आउटसाइड दिस सर्कल मतलब आप देखो ये लेंथ आ रही है मैंने हाईलाइट भी क्या था ऑलरेडी ये लेंथ आपकी आ रही है इस लेंथ को मैं टू पार्ट में डिवाइड करता हूं मतलब मैं आप पार्ट ही कंसिडर करता हूं उसकी वैल्यू कैल्कुलेट करता हूं देन जस्ट मल्टीप्लाइड बाई टू विल गेट ओके okay. अभी लेंथ uh, के लिए है वो इंटरसेक्शन पे आता है आप देखो ये लाइन तो इस पॉइंट पे आपको अभी छटा कैलकुलेट करना होगा सो दैट पॉइंट इज एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ आर इक्वल टू माइनस ए कॉस्ट एन आर इक्वल टू ए वन प्लस इंटरसेक्शन पॉइंट

आपको करवे याद रखनी है ठीक है तो डायरेक्टली डायग्राम से आपको समझ में आएगा अपर आर्क ऑफ तो कोई भी एक रैंडम लुप आप कंसिडर करो तो कंसिडर लूप इन फर्स्ट क्वार उसके जो अपर पार्ट है उसकी लेंथ कैल्कुलेट करने फ्रॉम जीरोक्

दरफोर गिवन कार्बिस सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। उसके लिए आपको वाई ज़ेरो रूट करना होगा। वाई ज़ेरो मतलब टी ब्रैकेट वन माइनस टी स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू ज़ेरो। इस सिंपलस टी इक्वल टू ज़ेरो। एंड टी इक्वल टू प्ल उसका जो अपर पार्ट है उसकी है आपका फॉर्मूला क्या है एस इज इक्वल टू टी वन टू टी टू अंडर प्लस डिवाइड बाई डी टी होल स्क्ट है लुप के जो एंड पॉइंट है उन एंड पॉइंट पे आपको टी की वैल्यू चाहिए तो जो